एमएस धोनी 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से टीम इंडिया की नीली जर्सी में नहीं दिखे। माना भी जा रहा है कि धोनी की भारतीय टीम में अब शायद ही वापसी होगी, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेणुगोपाल राव का कुछ और ही मानना है। जी आपको बता दें कि वेणुगोपाल राव ने भारत के लिए क्रिकेट भी खेला है और वेणुगोपाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी 2020 T20 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि 2023 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। अब ये सुनकर धोनी के फैंस के दिल में एक अलग ही खुशी दौड़ उठी होगी। उनके मुताबिक धोनी का विकल्प टीम इंडिया के पास ही नहीं और माही के अंदर अभी काफी क्रिकेट बाकी है। माही बने ही क्रिकेट के लिए हैं। वेणुगोपाल राव ने धोनी पर कहा, मुझे लगता है कि उन्हें 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए वो बहुत अहम खिलाड़ी हैं और मुझे पता है कि वो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से नहीं खेले हैं, लेकिन उनके लिए वापसी करना जरा भी मुश्किल काम नहीं। वो धोनी है, उन्हें पता है कि ऐसे हालातों का कैसे सामना किया जाता है। वेणुगोपाल राव ने आगे कहा, धोनी ने सभी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, कोई भी धोनी के आसपास नहीं, चाहे कप्तान हो या विकेटकीपर बल्लेबाज। मुझे लगता है कि धोनी को 2023 वर्ल्ड कप तक तो जरूरी खेलना चाहिए। धोनी को मैदान से दूर हुए करीब 8 महीने बीत चुके हैं, हालांकि वो अगले महीने के अंत में आईपीएल खेलते जरूर दिखेंगे। तो खबरों के मुताबिक आईपीएल 2020 सीजन के लिए महेंद्र सिंह धोनी 1 मार्च से चेन्नई में तैयारियां शुरू करेंगे। आईपीएल का आगाज 29 मार्च से हो रहा है और सीजन का उद्घाटन मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि वेणुगोपाल राव ने पिछले साल संन्यास तो ले लिया था, उन्होंने भारत के लिए 16 वनडे मैचेस खेले। वेणुगोपाल राव ने फर्स्ट क्लास मैचों में 7000 रन से भी ज्यादा रन बनाए। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 4000 से ज्यादा रन थे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाए और उनका बल्लेबाजी औसत महज 24 का रहा। तो साल 2000 में भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा वेणुगोपाल राव भी थे और इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद कैफ थे, जिसमें युवराज सिंह भी खेले, तो भारत इस टूर्नामेंट को जीत चैंपियन बना था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।